गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज अहमद मुश्ताबा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आज कल की लोड शेडिंग को, बिकॉज अभी बारिश हो रही थी और मैं बड़ी देर से वीडियो फिल्म करने के लिए बैठा हुआ था लेकिन लाइट नहीं आ रही थी। सो फाइनली वी हैव लाइट एंड फाइनली वी आर हेयर टू फिल्म दिस वीडियो। एंड बिफोर गेटिंग इन टू दिस वीडियो, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन गो एंड हिट सब्सक्राइब, साथ में जो है वो घंटी जरूर बजाएगा ताकि जब कभी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो टुडे द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट क्राइलॉन टीवी पेंट स्टिक। दिस इज द मोस्ट यूज्ड बेस इन पाकिस्तान, या फिर मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बेस यूज़ होती है फुल कवरेज के लिए, ब्राइडल के लिए, हर किस्म के मेकअप के लिए, स्टेज मेकअप हो, पार्टी मेकअप हो, ब्राइडल मेकअप हो, किसी में भी ये जो बेस है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। सो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू गाइज हाउ यू कैन मेक 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस विद दैट। आपकी एवरी डे मेकअप की आप बेस किस तरह से बना सकते हो, आप पार्टी मेकअप की बेस किस तरह से बना सकते हो, आप ब्राइडल की बेस किस तरह से बना सकते हो, मतलब इससे जो है वो फुल कवरेज किस तरह से अचीव कर सकते हो। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। एंड अभी जो है मैंने अपना फेस जो है उसे वॉश कर लिया, कुछ भी मेरे फेस के ऊपर नहीं है सिवाय कुछ पसीने के, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर द लाइट फॉर सो लॉन्ग। एंड फिलहाल जो है वो लाइट आ चुकी है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्राइम माई फेस। ये है जनाब रिवाज का मूज इंस्टेंट फ्लॉलेस प्राइमर, एंड एज यू गाइस नो दैट दिस इज माई फेवरेट वन। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस वन, लाइक इतना सा ले रहा हूँ मैं इसको, ज़्यादा नहीं ले रहा। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट टू द टी जोन ऑफ माई फेस बिकॉज दिस इज़ द प्रॉब्लम एरिया फॉर मी एंड आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन। मैं हर मेकअप आर्टिस्ट का जो है वो अपना एक डिफरेंट तरीका होता है ब्राइडल बेस बनाने का। सो आई एम जस्ट गिविंग गाइज द बेसिक वन, ठीक है? अगर आपके पास कुछ नहीं है, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अगर आप लोग घर पे तैयार होना चाहते हैं, कोई फंक्शन है, या आप लोगों की अपनी शादी है, निकाह है, छोटा सा फंक्शन है, घर में सेरेमनी है, तो आप लोग जो है उसके लिए तैयार होना चाहते हैं, यू डोंट नो, वाओ, ओके, यू डोंट नो कि बेस जो है वो किस तरह से बनाए। सो दिस इज द वे यू कैन डू योर बेस। दीज आर द टीवी पेंट स्टिक्स। हर एक को पता है टीवी पेंट स्टिक जो है वो कैसी होती है। ये जनाब इसकी पैकेजिंग होती है, यहाँ पे नीचे जो है उसका कलर मेंशन होता है, और ये मेरे पास 3 है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ कैमरे में तो काफ़ी मट्टी इसके ऊपर लगी हुई है। दिस इज द रीज़न कि मैं आपको बता सकूँ कि मैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता प्रोफेशनली। आई डोंट नो व्हाई आई डोंट लाइक स्टिक्स। सो बहुत दफ़े मैं आपको बता चुका हूँ आई लव टू वर्क विथ लिक्विड फाउंडेशन। सो जनाब दिस इज़ द पैकेजिंग एंड फेक कॉपीज़ इसकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग बेस है तो इसकी कॉपीज़ जो है मार्केट में बहुत मिलती है। अगर आप ओरिजिनल लेना चाहते हैं, सर्टिफाइड लेना चाहते हैं, गो टू द मेकअप सिटी, दैट्स अ मेकअप स्टोर जहाँ पे क्राइलॉन डिफरेंट बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, वहाँ पे आपको ओरिजिनल चीज़ मिलती है। एंड 2-3 इसके जो है वो तरीके होते हैं पहचानने के, किस तरह से आप ओरिजिनल को पहचान सकते हो। यहाँ पे कोड है जिसको आप स्क्रैच करके एक नंबर पे भेजते हो तो फिर क्राइलॉन जो है वो आपकी प्रोडक्ट को वेरीफाई करता है दिस इज़ ओरिजिनल और नॉट। आपको इसकी स्मेल से अंदाज़ा होता है, आप न्यू फाउंडेशन लेते हो तो ऊपर से एक जो पोर्शन होता है उसका वो कटा हुआ होता है, इससे पता चलता है। एंड देन आपकी जो स्टिक होती है उसके साइड के ऊपर यू नो ऑयल एक आ रहा होता है, एक शाइन होती है, एक ऑयल होता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी स्टिक जो है वो ओरिजिनल है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कॉपी हो जाती हैं, बहुत सारे फेक बनाने वाले ये सारी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको पता चले कि आपकी जो चीज़ है वो ओरिजिनल है कि नहीं है। सो उसके लिए बेसिक तो यही है कि आप जाके जो है वो अच्छे ब्रांडेड स्टोर से लें ताकि आपको परेशानी ना हो कि हमारे पास फेक चीज़ आई है कि नहीं है। सो यहाँ पे मेरे पास जो शेड्स हैं वो है 38, वी हैव आइवरी एंड वी हैव 45। अगर मैं यूजुअली अपना मेकअप करूँ तो आई वुड गो फॉर 45 बिकॉज दैट इज़ क्लोज टू माई स्किन टोन, लेकिन फॉर द कैमरा आई वुड प्रेफर कि मैं 36 यूज़ करूँ जो कि बहुत डार्क शेड होता है, बट आई डोंट हैव इट राइट नाउ इन माई क्राइलॉन टीवी पेंट स्टिक कलेक्शन। तो उसके लिए मैं 38 यूज़ करने वाला हूँ जो कि आपको कैमरा के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट लग सकता है, दो मेरी स्किन जो है वो इतनी डार्क नहीं है, लेकिन स्टिल 38 इज़ गोइंग टू लुक लाइटर बिकॉज ऑफ ऑल दीज यू नो लाइट्स एंड एवरीथिंग, उसकी वजह से जो है वो आपको लग सकता है। सो दिस इज 38, इट इज़ लुकिंग लाइटर, या सो दिस इज 38। अगर आप लोगों का स्किन टोन जो है वो मीडियम डार्क टू मीडियम है, मीडियम टोन की तरफ है, तो आप 38 जो है उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपका मीडियम टू मीडियम लाइट है तो आप 45 की तरफ जा सकते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ बेस कि आप सबसे पहले अपनी बेस जो एवरी डे यूज़ के लिए बहुत लाइट सी कवरेज है आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। उसके लिए जो है वो आप लोग क्या करो कि अपनी टीवी पेंट स्टिक लोगे, आप अगर आप ही यूज़ कर रहे हो इसको तो फिर आप इसको डायरेक्टली जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक प्रोफेशनल हो एंड आपके पास बहुत डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स आते हैं, आप हर एक के ऊपर यूज़ करते हैं, तो मेक श्योर कि आपके पास एक स्पैचुला हो जिससे आप अपनी डिज़ायर्ड अमाउंट जो है उसको निकाल लें और उसको जो है वो अपने हैंड की बैक पे ले लो या फिर किसी पैलेट पे ले लो और फिर उसको यूज़ करो ताकि आपकी जो
फाउंडेशन है वो कंटेमिनेट ना हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और मेरे पास बहुत डिफरेंट से लोग आते हैं, सो आई एम जस्ट गोइंग टू यू नो टेक सम अमाउंट ऑफ दिस हेयर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतनी सी अमाउंट जो है उसको ले रहा हूँ जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट यू गाइज कि आप डे टू डे बेसिस पे किस तरह से अपनी बेस जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हो। सो फॉर दिस आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस कि मैंने अपना फेस जो है उसको वॉश किया, प्राइम किया, एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस। अच्छा, एक और चीज़ अच्छी बात होती है ये अपने हैंड के ऊपर लेने से कि आपकी जो फिंगर है जब आप इसे करते हो तो ये मेल्ट हो जाती है, ठीक है। सो ये मेरे पास जो है फाउंडेशन है, आई एम जस्ट गोइंग टू यू नो अप्लाई इट लाइक दिस ऑन टू माई स्किन। बहुत लाइट कवरेज हम लोग जो है वो अप्लाई करेंगे फॉर डे टू डे बेसिस। अगर आपने डेली यूज़ के लिए बेस लगानी है, वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप इस तरह की थिक वैक्सी जो कंसिस्टेंसी की बेस है वो आप डे टू डे यूज़ करें, बिकॉज आपके पोर्स हैं वो क्लॉग हो सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से उसको क्लिंस नहीं करते हो तो। सो उसके लिए क्या है कि देखिए, मैंने बिल्कुल हल्के से डॉट्स अपने फेस के ऊपर लगा लिया। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ स्पॉन्ज, ठीक है, और आप कोई भी स्पॉन्ज ले सकते हैं। ये टच मी का है, 45 रुपीज़ का आपको आराम से मार्केट से मिल जाता है। आई एम जस्ट गोइंग टू वेट इट। अच्छा, यहाँ पे एक और कंसर्न है, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं कि यू नो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है तो उसके लिए आपको जो स्पॉन्ज है वो ड्राई यूज़ करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे कहते हैं कि आपको वेट यूज़ करना चाहिए। मेरे ख्याल में आपको डैम्प यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो आपकी प्रोडक्ट शेयर आउट ज़्यादा होती है और आपकी ब्लेंडिंग बहुत ईजीली होती है। अगर आप अपनी स्किन के ऊपर जो है वो यू नो ड्राई स्पॉन्ज से रगड़ोगे तो वो मूव बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होती है और वो ब्लेंड भी इतने अच्छे तरीके से नहीं होती। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड दिस वन। अब मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू बिल्ड अप द कवरेज। इसके लिए मैं इसको यू ब्लेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सी, इट इज़ गिविंग मी अ वेरी शेयर कवरेज। दिस इज़ फॉर योर डे टू डे बेसिस। अगर आपके फेस के ऊपर कोई जो है वो बहुत हैवी प्रॉब्लम्स नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, या फिर आपको जो है वो कोई पिंपल्स या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके वो आपको कंसीलिंग की ज़रूरत है, सो यू कैन डू दिस वे। सो दिस इज़ योर वेरी सिंपल बेस फॉर डेली यूज़। अगर आप लोग डेली इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए दिस इज़ इनफ। आप अपना फेस पाउडर लगाएं, आप इसको सेट करें एंड यू आर गुड टू गो। आपको मज़ीद कुछ करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। बहुत लाइट सी कवरेज है, बहुत मज़े का एक शीन है, एक नेचुरल फिनिश जो है वो आ रही है, ठीक है। दिस इज़ योर बेस नंबर वन। नाउ वी आर गोइंग फॉर द पार्टी मेकअप बेस, जो इससे थोड़ी सी हैवी होती है। अगर आप लोग बहुत सारे सलून्स में गए हो तो बहुत सारे लोग यू करते हैं, यूँ पकड़ के स्टिक को मलते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वे आप उस तरह से कर सकते हो। आप डायरेक्ट अपनी फाउंडेशन को लेके जो है वो अपनी कवरेज को बिल्ड कर सकते हो। बट वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग अगेन जो हम लोगों ने पहले किया था, लेकिन हमने पहले बहुत ही हल्की सी क्वांटिटी जो थी उसको यूज़ किया था। नाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द कवरेज। बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी एक बहुत प्लस पॉइंट है क्रायलॉन की टीवी पेंट स्टिक का कि दिस इज़ वेरी वर्सटाइल प्रोडक्ट। आप इसको जो है वो बिल्ड कर सकते हो, आप इसको यू नो वेरी लाइट कवरेज के अंदर शेयर कवरेज में लेके जा सकते हो, आप इसको हैवी कवरेज में लेके जा सकते हो, व्हाट एवर यू फील लाइक। तो अब इसको जो है वो मैंने यू नो ज़्यादा कवरेज के अंदर जो है वो ले लिया, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस वन लाइक दिस। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द सेम स्पॉन्ज, थोड़ा सा मैंने उसको डैम्प किया है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू बिल्ड अप द कवरेज। सो मैं अब इसको टैपिंग मोशन के अंदर, दिस इज़ फॉर द पार्टी मेकअप, आप टैपिंग मोशन के अंदर इसको करके ब्लेंड करें। नाउ इफ़ यू हैव अ ड्राई स्पॉन्ज तो आपकी ये जो ब्लेंडिंग है वो इतने ईजी तरीके से नहीं होगी, सो आपको जो है वो हल्का सा डैम्प रखना पड़ेगा अपना स्पॉन्ज। एंड नाउ यू कैन सी द कवरेज इज बिल्डिंग अप। सो अगर आप पार्टी के लिए जा रहे हो, आपको थोड़ी सी हैवी कवरेज चाहिए, देन यू कैन गो लाइक दिस। आइज़ के नीचे मैं इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखा रहा हूँ अपना, क्योंकि आइज़ के नीचे आई हैव टू कंसील इट, जिसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी, बिकॉज एक क्वेश्चन आया था मुझे। सो नाउ आवर बेस इज़ डन। आप लोग जो है वो अपनी डिज़ायर्ड कवरेज के मुताबिक आप उसको बिल्डअप कर सकते हो। दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। पहले के अंदर हम लोगों ने बहुत ही नेचुरल मेकअप रखा, एंड देन हम लोगों ने इसकी जो क्वान्टिटी थी, हमने जो इसका कवरेज थी वो बिल्डअप किया, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। आप इसको जो है वो यहाँ पर सेट कर सकते हो, अपना फेस पाउडर लगा सकते हो, लूज पाउडर लगा सकते हो, और उसके बाद जो है वो आप इसको अपना मेकअप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी योर पार्टी मेकअप बेस। ओके, नाउ फॉर द अल्टीमेट फुल कवरेज ब्राइडल बेस, जिसके लिए मैं अब दोबारा से इसको ले रहा हूँ यहाँ पे। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक
अगेन दिस मच ऑफ द प्रोडक्ट. नाउ फॉर द ब्राइडल बेस, अब आप लोगों ने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को देखा होगा, टीवी के ऊपर देखा होगा, काशीज़ को देखा होगा. बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि अगर उन्होंने हैवी कवरेज लेनी हो तो वो अपना हैंड यूज़ करें. अपनी फिंगर्स यूज़ करने का सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि एक तो प्रोडक्ट मेल्ट हो जाती है, आपकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, फ्रिक्शन से जो है वो आपकी स्किन के अंदर जो है वो बेस पेनिट्रेट होती है और इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होती. अगर आपको फुलेस्ट कवरेज चाहिए एवर, देन यूज़ योर हैंड, योर फिंगर्स. लेकिन उसके लिए सबसे पहला रूल ये है कि आपका जो हाथ है वो क्लीन होना चाहिए ताकि आप बैक्टीरियाज़ या कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र ना करें अपनी स्किन के अंदर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस बेस, ठीक है, और इस बेस को अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू मेल्ट इट विद माई फिंगर. आप अगर देखें तो ये पहले सॉलिड थी एंड नाउ दिस इज़ ऑल मेल्टेड. ये बिल्कुल एक लिक्विड की फॉर्म के अंदर जो है वो आ चुकी है. ये दिस इज़ द प्लस पॉइंट कि आप अपनी फिंगर के साथ जब यूज़ करते हैं अपनी फाउंडेशन तो आपको ये बेनिफिट मिलता है. नाउ आई हैव दिस वन. अब मैं इसको फुल कवरेज की तरफ लेके जाऊँगा, विच इज़ विद द फिंगर, ठीक है. सो नाउ व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द प्रोडक्ट एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बिल्ड द कवरेज जस्ट लाइक दैट, ठीक है. अब हम लोग ड्रैग नहीं कर रहे हैं, हम लोग टैप करके एक लेयर क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर, जस्ट लाइक दैट. कैन यू सी द कवरेज? ये हमारी जो थी वो पार्टी मेकअप की बेस थी एंड दिस इज आवर ब्राइडल हैवी फुल कवरेज बेस. इसको हम लोग इस तरह से ले रहे हैं. अच्छा, जो बिगिनर्स होंगे उनके लिए थोड़ा सा मसला ही होगा कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके फिंगर के पैचेस आएंगे, लेकिन जब हम लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं तो हमें पता होता है हमने कितना प्रेशर जो है उसको अप्लाई करना है ताकि ये इवन आए, ठीक है. सो अब मैं अगेन इस साइड के ऊपर भी, एज यू कैन सी, आई एम जस्ट बिल्डिंग अप द कवरेज. हमने रब नहीं करना, वी आर जस्ट गोइंग टू टैप द प्रोडक्ट इनटू द स्किन और हम एक लेयर जो है उसको लगा देंगे अपनी स्किन के ऊपर. Just like that. Can you see? The coverage is building up and ये even आ रहा है, कुछ इसमें जो है वो पैची नहीं हो रहा. So now you can see कि हम लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा एक थिक लेयर जो है उसको बना लिया है, ठीक है, अपने फेस के ऊपर लगा लिया है. अब ये जितनी रह गई है मेरे पास उसको मैं इसी स्पॉन्ज के साथ आई एम जस्ट गोइंग टू पिक इट अप, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट स्पॉन्ज लगाएंगे तो वो आपकी जो बेस है उसकी उसको पिकअप कर लेगा और वो आपकी जो स्किन की कवरेज है वो थोड़ी सी शेयर आउट कर देगा. तो उससे बेहतर ये है कि आप अपने जितनी रिमेनिंग आपके हैंड के ऊपर है वो अपने पहले स्पॉन्ज के साथ उठा लें एंड देन अगर आपके फिंगर्स की प्रिंट आ गए या आपकी बेस जो है वो इवन नहीं सेट हुई तो आप अब हल्का सा टैप करके अपनी फेस की बेस को इवन आउट करेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दैट. हाथ को आपने बहुत सॉफ्ट रखना है जब भी आपने हैवी बेस की तरफ बनाना है. आपने बहुत ज़्यादा हैवी हैंड नहीं लगाना, बहुत हल्का सा के बस आपका हाथ जो है वो हवा में चल रहा है, इस तरह से आपने जो बेस है उसको सेट करना है. अच्छा, नाउ हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो क्रायलॉन को यूज़ करते हैं इस तरह से, लेकिन मैं क्यों नहीं यूज़ करता या इतना प्रेफर नहीं करता ब्राइडल के अंदर जो है वो स्टिक को यूज़ करना. अब जो इतनी थिक हमारी फाउंडेशन जो है वो लग गई है, स्टिक लग गई है, ठीक है, अब इसमें लाइनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पैचीनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, केकी बेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हमारे बड़े बड़े सलोन्स के कुछ चैनल्स हैं, आई एम नॉट गोइंग टू नेम दैम, लेकिन वो कहते हैं कि जब हम लोग केक नहीं लगाते तो केकी बेस कैसे हो सकती है, ठीक है, केक लगाएंगे तो केकी बेस होगी. दिस इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट. केकी बेस आपकी लिक्विड फाउंडेशन लगाने से भी होती है. केकी बेस वो होती है जिसमें आपको ऐसे मोटी सी एक पैचीनेस नज़र आने लग जाती है स्किन के अंदर, आपकी जो स्किन है उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, आपकी जो फाउंडेशन है वो पैची हो जाती है, केक की अजीब सा यू नो लेयरिंग सी लगने लग जाती है स्किन के ऊपर अलग से, दैट इज़ कॉल्ड केकी बेस. तो ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग फाउंडेशन के ऊपर केक लगाएंगे तो हमारी जो बेस केकी होगी. जब आप एक बहुत ज़्यादा मोटी लेयर लगा देते हो स्किन के ऊपर फाउंडेशन की, तब भी आपकी बेस जो है वो केकी हो जाती है. जैसे अब ये फाउंडेशन इतनी हैवी हो चुकी है कि मेरी अगर मैं यू नो मेरी लाइन्स के अंदर जो है वो सेटल डाउन हो सकती है. सो इसको अब मैं सेट करूँगा विद माई फेवरेट कोटी एयर स्पन डिग रहा है, ठीक है. सो दिस इज़ माई कोटी एयर स्पन जो कि मेरा फेवरेट ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है. सो सबसे पहले मेक श्योर कि आपकी जो बेस है वो हर जगह से इवन है, कहीं पे आपको जो है वो पैच नहीं आ रहा, लाइंस नहीं आ रही. आईज़ के नीचे मैंने नहीं लगाई बिकॉज मुझे कंसीलर जो है वो अप्लाई करना है. सो इस वजह से मैंने आईज़ का एरिया जो उसको लीव कर दिया. सो अब मैंने अपनी जो बेस है उसको इक्वल कर लिया. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस कोटी एयर स्पन और इसको जो है वो मैं उसी स्पॉन्ज के साथ आई एम जस्ट गोइंग टू
apply this one. जब आप ब्राइडल फेस बना रहे हो तब आपको भर के फेस पाउडर या लूज पाउडर लगाना है ताकि आपकी जो बेस है वो बिल्कुल सील हो जाए. अगर आप कंजूसी करेंगे पाउडर लगाने में तो आपकी जो बेस है वो ख़राब हो जाएगी. जैसे हमारे यहाँ पे गर्मी है मेल्ट हो जाएगी और फिर आपका जो बेस का कोई फ़ायदा नहीं होगा. आप हमेशा जब भी ब्राइडल बेस बनाएंगे तो आपको समर्स के अंदर बहुत ज़्यादा भर के, यू नो, जैसे आप देख रहे हो मैं भर के पाउडर लगा रहा हूँ टू सेट दिस थिंग. जो भी मैंने पाउडर लगाया वो तमाम स्किन के अंदर गायब हो चुका है. मतलब इतनी थिक लेयर थी मेरे पास कि मैंने इतना ज़्यादा पाउडर पिक किया था और वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा. ओके जी, सो दिस इज़ द ब्राइडल बेस एंड लेट मी फिनिश अप द लुक एंड आई विल बी राइट बैक. ऑलराइट जी, सो आई एम बैक विद द फिनिश्ड लुक एंड नाउ यू कैन सी दिस इज लुकिंग सो गुड विद द ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टोरिंग एंड एवरीथिंग. सो आज हम लोगों ने सीखा कि आप लोग क्राइलॉन टीपी पेंट स्टिक को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. आप उससे तीन डिफरेंट तरह से किस तरह से बेस जो है वो बना सकते हो. सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दैट. एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. तब तक क्लिप ना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़.